अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये देखें भाई, हमें इसे तोड़ना पड़ा है। और उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये खून देखें, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा खून था जो कि आप मिट चुके हैं हमारे पाँव के निशान से। ये सारा तोड़ा है, इधर से तोड़ा है, ये पूरी जगह हमें तोड़नी पड़ी है। बकरियों को मैंने वंडा दिया, बकरियों को मैंने बाहर निकाला और यहाँ पर छोड़ के अभी मैं वापस घर ही गया हूँ कि यहाँ पर ना हमारी जो अजवा थी ना, उसने पहले मुँह इस तरफ को फंसाया और फिर यहाँ से निकालने के लिए ना इस तरफ वाली साइड से फंसा लिया। दोनों साइडों से फंस चुका था और हिल भी नहीं सक रही थी। उसकी गर्दन जो है ना बिल्कुल यू शेप में बन गई थी, इतनी ज्यादा चीहे चलाई है ना। के साथ चाचू का घर है, यहाँ से भागते हुए सारे हमारे घर गए कि आ जाएं। मैं, अब्बू, हम सारे एकदम से पहुंचे, इसको बहुत ज्यादा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये वाली जो जगह थी ना, अजवा ने जोर लगा के ना ऐसे आगे की तरफ फंसा दी थी। अब ये गेट बिल्कुल लॉक हो चुका था, नहीं खुल पा रहा था भाई। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी अपनी जान पे बन गई थी। इतनी स्पीड में मैं भाग के गया, थोड़ा लाया, सारी चीजें लाया, फिर हमने इस दरवाजे को यहाँ से तोड़ा और फिर अपनी अजवा की जान चाहिए। 2 से 3 मिनट में अगर हम और ना पहुँचते ना तो पक्का हमारी अजवा ने मर जाना था। इसलिए अभी हमारी अजवा उस तरफ है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अब कुछ ठीक हुई है? दिखाना जरा यार, इसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे हैं। बेचारी को गले पे लगी है ना, तो गले से खून आया था, इतना ज्यादा इसे दर्द हो रहा था। खैर यार, इसकी गर्दन पे ना बहुत ज्यादा जोर की लगी थी, गर्दन फंस गई थी ना, जिसकी वजह से बेचारी के गर्दन से खून आना शुरू हो गया था। अब कितनी सुस्त हुई पड़ी है ये देखें। पहले तो इतनी ज्यादा भाग दौड़ रही थी, सबको मार रही थी, और अभी भी ना इसके मुँह से यहाँ से ना और इस तरह से थोड़ी थोड़ी झाग आ रही है। इसने पानी तो पिया लेकिन उस वक्त से ना ये कुछ खा नहीं रही, थोड़ी सी बेचारी सुस्त हो गई है या फिर पता नहीं डर गई है। कोई बात नहीं। तो इसके लिए ना मैं यहाँ से ना कुछ थोड़ा सा घास तोड़ के लाता हूँ और इसको खिलाने की कोशिश करते हैं। खाएगी। अभी आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, ठीक है ना? पता नहीं और कैसे चली गई है, इसका तो इतना बड़ा सारा है, उसके अंदर ऐसे फंसा लियो फिर वापस दूसरी तरफ से ले आइए। काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, घर वालों को भी पता चल चुका है। हो सकता है अभी मामू को बुला के ना मामू के हवाले करते हैं, क्योंकि ये बाकी सारी बकरियों को भी मारती है, उनसे ही काबू में रहेगी। इसके बच्चे दोनों यहीं रहेंगे, इसको ना हम वापस मामू को देते हैं, उनके घर भिजवाते हैं। चलो भाई हट जाओ, खुद खाते नहीं हो, मैंने जो तोड़ा वो खाओगे। वो खाना शुरू कर दिया, ये इसका है। यार ये खा ही नहीं रही, इसे कुछ और ला के देना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं खा रही। ये उसे देती हैं, ये मेरे ख्याल में खाएगी। चलो भाई ये थोड़ा सा तुम खाओ और ये सारा इसको देते हैं। शुक्र है यार, खाना शुरू कर दिया इसने, इसका मतलब है ये खा लेगी। दर्द है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। इतना ज़्यादा जो है ना इसके गले से खून आया लेकिन फिर भी इसने खाना शुरू कर दिया। इसने पानी भी अच्छे से पिया लेकिन फिर से इसकी वही हरकतें हैं, किसी को करीब नहीं आने देती, खुद अकेले खाएगी, किसी को खाने नहीं देगी। ये एक मुझे दे दो और बाकी इनको दे दो, लड़ाई का हल हमने निकाल लिया। ये किसी को खाने नहीं देती, इसको हम अलग से देते हैं। भाई तुम सारे इस तरफ अलग से आ जाओ, और उनको हमने अलग से खिला दिया, अब लड़ाई नहीं होगी। भाई को जूं ही पता चला है भाई भी आ गया, बकरियों को लेकर ना पता नहीं किस साइड पे लेके जा रहे हैं। आज भाई ने कहा है कि मैं इनको घुमाऊंगा, सारा दिन घुमाऊंगा, इनको अच्छे से खिलाऊं पिलाऊंगा। चलो भाई तुम भी जाओ, अब ध्यान रखना अपना। बिल्कुल एंड लग गई थी, जुबान बाहर आ गई, आंखें ऐसे बिल्कुल खून मुंह से आ रहा था, मैं डर गया था। हमें तो यही लगा कि अगर दरवाजा नहीं टूटेगा तो फिर भाई हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ता। ये वाला घास हम अपनी डब के लिए ले जाते हैं, सही है ना? पकड़ लो डब को देंगे। हाँ भाई तुम्हें घास चाहिए? भागेगी ये देख के। अरे माशाल्लाह इतना ज्यादा घास, ये तो हमारी रोज खाएगी और साथ रैबिट्स खाएंगे। ये मैं लेके जा रहा हूँ, और है खत्म हो गया तो फिर आ जाओ, ये इतना ज्यादा अभी भी है। लेकिन ये हमारे बास भाई जो है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पर आजकल कम मेहनत कर रहे हैं, अंदर ज्यादा कर रहे हैं काम, तो उसे आज उनको बोलता हूँ कि यार ये सारी सफाई कर दें। ये देखिए कितना ज्यादा घास है, ये सारा घास अगर आज हमें निकाल देते हैं ना, इसकी जगह की सफाई भी कर देते हैं, एक जगह प्यारी हो जाएगी, दूसरा हमें घास भी मिल जाएगा। भाई नहीं, फूलों की खुशबू ही नहीं है, मुझे लगा खुशबू होगी, पहले तो यही यकीन नहीं था कि यहाँ पर फूल आने वाले हैं, लेकिन इस बेल के साथ देखें छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अगले साल तक ये भर जाएगी, बल्कि इसी साल तक भर जाएगी। बिल्कुल भी खुशबू नहीं है लेकिन फूल बहुत प्यारे हैं। रोज हमारा पहले से ही इंतजार कर रही है। आ जाओ रोज, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लो बस, यहाँ से थोड़ा सा अपने रैबिट्स के लिए। क्या हुआ है? खोलो खोलो खोलो, ये तो मर चुकी है। ये कौन सी वाली थी? अभी तो ठीक छोड़ के गए हैं यार हम इसको, इसके मुंह से वापस पानी आ रहा है, कोई जहरीली चीज तो नहीं? यार यहाँ पर क्या जहरीली, कुछ समझ नहीं आ रही यार। दोस्तों हमारे से हो क्या रहा है, हर दिन कोई ना कोई चीज मर रही है, बिल्कुल ठीक ठाक होती है, हम बाहर जाते हैं 5-10 मिनट के बाद वापस आते हैं।
यार ये तो वो वाली थी जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। यार इसके तो पांच छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम से क्या हो गया? बिल्कुल ठीक ठाक थी यार, अभी थोड़ी सी देर पहले मैं इनको खुद अपने हाथ से वंडा देकर गया हूँ। ये देखें यहाँ पर, और सिर्फ घास लेने के लिए गया हूँ, वापस आया हूँ। और ये देखें यहाँ पर मरी भी पड़ी है, तो पेट भी फूला फूला सा हुआ हुआ है। तो ये मटका भी आ चुका है, बच्चों को भी मैंने बाहर निकाल दिया। और देखें बच्चे कैसे अपनी मरी हुई माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं। यही वाली बच्चों वाली थी, मैंने दूसरी को भी देखा है, वो वाली नहीं थी, कंफर्म ये बच्चों वाली है। और बच्चे देखें कैसे, अब मुझे ही इनको पालना पड़ेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी आँखें खुलना शुरू हुई हैं यार, कुछ पता नहीं चला, इसके मुँह से पानी आ रहा है, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एकदम से कैसे ये मर सकती है, इसे कुछ हुआ भी नहीं है, इसने कोई जहरीली चीज़ ही खा ली होगी। अब हम ये सारी रुई और इनका अपना जो मटेरियल था, इनकी जो माँ ने बाल वगैरह पहन के, तो वो सारे बाल उठाकर इस मटके के अंदर मैं रखने वाला हूँ, उसको अच्छे से साफ करने के बाद, और फिर इन सारे बच्चों को इसके अंदर रखूँगा। और अब इन पांचों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इनको मैं खुद पालूंगा और इंशाल्लाह इनको मैं अच्छे तरीके से पाल लूँगा। इनको लेकर अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। सामने वाले भाई जो उनके पास भी रैबिट की फीमेल है, उसने बच्चे दिए, उनको पता चला तो कह रहे हैं मैं रैबिट की फीमेल लेकर आ रहा हूँ। अब हमारी आखिरी उम्मीद वही रैबिट की फीमेल है, हो सकता है वो बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दे। ये भाई लेकर आ चुके हैं जी, और बच्चे सारे इसके अंदर हैं। देखिए कैसे छुप गए हैं रुई के अंदर और अपने बालों के अंदर ही। नीचे से रखें यहाँ पर, अब कैसे पिलाएंगे ऐसे 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 इसे, हाँ, वरना ये बच्चों को पिलाएगी नहीं, क्योंकि इसके खुद अपने नौ बच्चे हैं, नौ बच्चे इसके अपने और पांच यहाँ पर हैं, ये तो 14 बच्चे बने हैं यार, इतने बच्चों को कैसे फीड करवाएगी। लेकिन फिर भी ये भाई सुबह एक दफ़ा और एक दफ़ा शाम को लाएंगे, तो हम इसी तरीके से इनको फीड करवाएंगे। बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर ये अपनी आँखें खोल लेंगे, खुद से खाना पीना शुरू कर देंगे। अभी एक एक बच्चे को मैं निकालता हूँ ना बाहर, पता नहीं पियेंगे या नहीं पियेंगे। वो पीना शुरू कर दिए, पीना शुरू कर दिए। माशाल्लाह यार, चले शुक्र है, इन्हें भूख लगी हुई है। बाकियों को भी एक एक करके मैं निकालता हूँ। सारों को हमने बाहर निकाल दिया है, कुछ फीड कर रहे हैं और कुछ फीड नहीं कर रहे। मुझे लगता है इनके पेट फुल हैं, इनकी माँ इन्हें फीड करवा के मरी है। पता नहीं, उसे पता था शायद कि उसने मर जाना है, इसलिए वो गई होगी, फीड करवाया होगा। सबके पेट फुल हैं और कुछ कुछ पीने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा कि ये है, ये पीने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी अपनी माँ के साथ ना ऐसे सोए हुए हैं, इसको अपनी माँ समझ रहे हैं। इधर आ जाओ, पी लो थोड़ा सा, फिर इसने अपने बच्चों के पास चले जाना है। खैर अभी तो इनका पेट फुल है, एक दफ़ा हम इनको शाम को या रात के वक्त फीड करवाएंगे, और फिर कल सुबह ऐसे ही तीन चार दिन तक, फिर जो ही इनकी आँखें खुलेगी इंशाल्लाह इनके लिए हम कोई ना कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। यार ये पक्का इनका पेट फुल है, बिल्कुल भी ये दूध नहीं पी रहे। फीमेल को भी हमने इसके अंदर रख दिया है, अब ऐसे किया करेंगे, फीमेल को इसके अंदर रख दिया करेंगे और वो खुद ही आकर फीड सारे कर लिया करेंगे, फिर हम फीमेल को बाहर निकाला करेंगे। भाई अपनी फीमेल को लेकर जा रहे हैं, और ये शाम के वक्त अब एक दफ़ा आएंगे। इसके अंदर मैंने इनको रख दिया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें अब ये बिल्कुल आराम से फिलहाल सो रहे हैं, कपड़ा ऊपर दे देता हूँ ताकि इनको कोई मक्खियाँ वगैरह तंग ना करें। और इस दरवाजे को भी हम बंद कर देते हैं ताकि उनको ऐसे ही लगे जैसे वो अपने घर के अंदर है। डिस्टर्ब तो बहुत होंगे, फीमेल उस तरफ जा चुकी है, ऐसे कितनी दुख वाली बात है कि कोई फीमेल जिसके इतने बच्चे हों एकदम से मर जाए, उनके बच्चों का क्या बनेगा। कोशिश करूंगा अपनी फुल कि यार मैं इनको इंशाल्लाह पाल लूं। अब मुझे थोड़ा सा सहारा मिल चुका है कि वो एक फीमेल और भी आ गई है, अपनी भी एक फीमेल है जिसने बच्चे दिए थे वो मर गए थे, उसको भी हम लाएंगे बार बार, इनको फीड करवाने की कोशिश करेंगे, और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ये अपनी आँखें खोल लेंगे। ये देखें छोटू गैंग ने एक अंडा पानी के अंदर ही दे दिया, मुझे लगता है यहाँ पर कहीं दिया और गिर गया सिर्फ इनके डर से। और बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, अब क्या करें, यहाँ पर हमने छोटू गैंग को भी रखना है, डायनासोर को भी रखना है, अब इनके लिए हम अलग से कोई पूल नहीं बना सकते। अब वो बेचारे इस तरफ आते हैं अंडा देने के लिए, दे नहीं पाते, यहीं पर ना दे देते हैं। अब ये अभी शुक्र है देख लिया है, और मैं इसने भी टूट ही जाना था। तो दोस्तों अभी हम इसको दफनाने के लिए जा रहे हैं। यार पता नहीं, बिल्कुल ठीक थी, कुछ समझ नहीं आया एकदम से ऐसे क्या हो गया। मुझे तो लगता है इसके पेट में फिर से बच्चे आ गए थे, और ये काफ़ी मोटी मोटी भी हो गई थी, लेकिन बस इसकी इतनी सी ज़िंदगी थी, क्या हो सकता है। बाकी रैबिट हाउस हमारा जितना भी है ना, इसको
यहाँ से बहुत जल्द मैं ख़त्म करने वाला, मतलब वैसे ही ख़त्म नहीं करने वाला है, इसकी बहुत ही अच्छे से हमने चेंजिंग करनी है ताकि हमारे जितने भी रैबिट्स हैं ना, एक तो बिलियों से और दूसरा धूप वगैरह से जो आगे आ रही है उससे सिक्योर हो जाएँ और यहाँ पर अच्छे से रह सकें। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।